अपना टॉपिक होगा संस्कृत व्याकरण। संस्कृत भाषा में व्याकरण की अपन जानकारी की बात करें तो व्याकरण शब्द अपना जो शब्द है, इस व्याकरण के बारे में अपन को चर्चा करनी है। व्याकरण क्या होता है, व्याकरण कहते किसे हैं, व्याकरण के ज्ञान की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में अपन चर्चा करें। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ये जो व्याकरण शब्द है इसकी व्युत्पत्ति। व्याकरण जो शब्द है इसकी व्युत्पत्ति की अपन चर्चा करें। व्युत्पत्ति से मतलब है व्याकरण शब्द कैसे बना है, व्याकरण का निर्माण किस रूप में हुआ है। तो यदि अपन इसकी व्युत्पत्ति की बात करें तो अपने पास इसमें वि तथा आंग ये दो तो इसमें उपसर्ग हैं। साथ ही अपन बात करें तो इस व्याकरण शब्द में डुक्रिय ये एक धातु है और लास्ट में प्रत्यय की बात करें तो इसमें ल्युट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब बात करें ये जो डुक्रिय धातु है इसमें डुक्रिय धातु का सिर्फ क्रि शेष रहता है। ये डू और ये जो लोप हुआ है उसकी चर्चा हम आगे जो संज्ञा प्रकरण पढ़ेंगे उसमें अपन चर्चा करेंगे। तो अपन बात ऐसे कहें आंग उपसर्ग है उसका आशेष रहता है और वी और आंग इन दोनों को मिलने से व्या और ल्युट प्रत्यय का शेष रहता है। अन्य इन सब के योग से अपन शब्द बनाए तो अपने शब्द का निर्माण होता है व्याकरण, और नपुंसक लिंग में अपन इसका प्रयोग करें तो व्याकरणम। ये सब तो इसकी व्युत्पत्ति की बात हुई कि व्याकरण शब्द कैसे बनता है। वापस रिपीट करें अपन इसको बोलें तो वी और आंग उपसर्ग युक्त डुक्रिय धातु में ल्युट प्रत्यय के योग से एक शब्द बना व्याकरण। अब बात करते हैं जो व्याकरण शब्द है उसकी परिभाषा क्या होती है, व्याकरण जो है उसकी परिभाषा क्या है। तो अपन संस्कृत में अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो सामान्यतः अपन ऐसे कह सकते हैं कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दः अनेन इति व्याकरणम्। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम्, अर्थात अनेन इसके द्वारा अर्थात किसी विधा इकाई शास्त्र आदि के द्वारा शब्दा व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दों की व्युत्पत्ति अथवा शुद्धता का ज्ञान होता है व्याकरणम्, उसे ही व्याकरण कहते हैं। बात करें कि जिस किसी शास्त्र के द्वारा किसी विधा या इकाई के द्वारा अपन शब्दों की शुद्धता अथवा उसकी व्युत्पत्ति आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे ही व्याकरण कहा जाता है। ये तो रही बात व्याकरण की परिभाषा की। अब प्रश्न ये बनता है कि जो व्याकरण है सर्वप्रथम ये जो व्याकरण है वो आई कहाँ से, या व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है। तो देखो किसी भी भाषा को बोलने के लिए या किसी भाषा को शुद्धता प्राप्त करने शुद्धता से बोलने के लिए शुद्ध सीखने के लिए या उसमें पारंगत दक्षता प्राप्त करने के लिए ही व्याकरण का ज्ञान होना अनिवार्य होता है। अब बात करें साहब व्याकरण आई कहाँ से, तो व्याकरण के विकास की अपन बात करें तो व्याकरण का विकास दो परंपराओं में हुआ है। व्याकरण के विकास की दो परंपराएं हैं, दो परंपराओं में व्याकरण का विकास हुआ है जिनको अपन इस रूप में कह सकते हैं। एक परंपरा है बारहस्पति परंपरा, और दूसरी की बात करें तो अपन इसको नाम दे सकते हैं पाणिनीय परंपरा। व्याकरण दो परंपराओं से विकसित हुई, बारहस्पति परंपरा और पाणिनीय परंपरा। इन दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बारहस्पति परंपरा की। बारहस्पति परंपरा के अनुसार ये उल्लेख मिलता है कि इस परंपरा के अनुसार ब्रह्मा जी को व्याकरण ज्ञान प्राप्त था, पदों की रचना आदि पदों का ज्ञान प्राप्त था, और ब्रह्मा जी ने जो देवगुरु थे बृहस्पति उस देवगुरु को व्याकरण ज्ञान प्रदान किया।
पदों के बारे में ज्ञान आदि ये जो प्रदान किया वो ब्रह्मा जी ने किया बृहस्पति को। तो अपन इस क्रम से उसको चल सकते हैं। अपन सामान्यतः पहले बृहस्पति इसके बारे में कहें तो अपन कहें सबसे पहले इस परंपरा के अनुसार ब्रह्मा जी ने देवगुरु बृहस्पति को व्याकरण ज्ञान प्रदान किया। उसके बाद बृहस्पति जो हुए उन्होंने देवों के राजा जो इंद्र हैं उस इंद्र को व्याकरण ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को व्याकरण ज्ञान प्रदान किया, बृहस्पति ने इंद्र को व्याकरण ज्ञान दिया, फिर उसके बाद इंद्र से जो अग्नि वरुण रुद्र वायु आदि जो देव थे उन्होंने व्याकरण ज्ञान प्राप्त किया। अर्थात अपन कह सकते हैं कि इंद्र से जो आगे जो व्याकरण ज्ञान चलता रहा, व्याकरण जो प्रसारित तो होता रहा वो इस रूप में आया कि इंद्र ने अग्नि, फिर अग्नि से यम, फिर उसके बाद कहें रुद्र वायु वरुण आदि जो देव हैं इन्होंने इंद्र से अग्नि यम रुद्र वायु वरुण आदि देवों ने व्याकरण ज्ञान प्रदान प्राप्त किया और फिर इनके द्वारा अन्य जो ऋषि मुनि होते गए उनसे व्याकरण ज्ञान फैलता गया और इस प्रकार कालांतर में जाकर के व्याकरण विकसित हुई। बृहस्पति परंपरा के अनुसार एक बार फिर से बात करें अपन तो ऐसे कह सकते हैं कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने व्याकरण का ज्ञान बृहस्पति को दिया, फिर बृहस्पति ने इंद्र को, फिर इंद्र से अग्नि यम रुद्र वायु वरुण आदि देवों ने व्याकरण ज्ञान प्राप्त किया और फिर इनके बाद कालांतर में ऋषि मुनियों आदि के द्वारा ये व्याकरण चलता रहा और इस प्रकार इस कालांतर इस संसार में व्याकरण विकसित हुआ। यह जो परंपरा है इस परंपरा के अनुसार प्रथम जो वैयाकरण है, अगर प्रथम वैयाकरण की बात करें, प्रथम वैयाकरण व्याकरण का क्या था, व्याकरण बृहस्पति परंपरा के अनुसार यदि प्रथम व्याकरण की बात की जाए तो प्रथम व्याकरण माना जाता है इंद्र को। इंद्र ने ही इस व्याकरण को विस्तृत रूप ज्ञान दिए थे इसलिए इसको अपन विस्तृत रूप देने के कारण ही इसको अपन प्रथम व्याकरण माने जाते हैं, जबकि जो बृहस्पति हैं वो प्रथम वक्ता प्रथम प्रवक्ता माने जाते हैं। बृहस्पति परंपरा के प्रथम प्रवक्ता व्याकरण के बृहस्पति माने जाते हैं। यही कारण हुआ इस परंपरा का नाम बृहस्पति परंपरा डाल दिया गया और इस परंपरा की यदि बात करी जाए तो इसमें जो प्रथम व्याकरण है वे माने जाते हैं इंद्र। ये तो थी बृहस्पति परंपरा। ब्रह्मा जी से बृहस्पति ने, बृहस्पति जी से इंद्र ने, इंद्र से अग्नि यम रुद्र वायु वरुण आदि ने, फिर उनके बाद कालांतर में ऋषि आदि के द्वारा व्याकरण प्रतरण। प्रथम प्रवक्ता बृहस्पति और प्रथम व्याकरण माने जाते हैं इंद्र। बृहस्पति से संबंधित होने के कारण ही ये बृहस्पति परंपरा कहलाई। अब एक बात की चर्चा और करें, इस परंपरा के अनुसार जो व्याकरण ज्ञान प्रचलित हुआ वह अत्यधिक कठिन था और अत्यधिक कठिन होने के कारण तो अर्थात व्याकरण की कठिनता के कारण ही इस परंपरा को कातंत्र परंपरा का नाम दिया गया। व्याकरण की कठिनता होने के कारण इस परंपरा को कातंत्र परंपरा नाम दिया गया और कालांतर में वर्तमान की अगर बात करें, वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार तो इस व्याकरण के द्वारा व्याकरण ज्ञान नहीं दिया जाता, धीरे धीरे लुप्त के रूप में से हो चुकी है। अब नंबर दो पर जो व्याकरण की अपनी जो दूसरी व्याकरण की जो दूसरी परंपरा है उसकी यदि अपन बात करें तो व्याकरण की जो दूसरी परंपरा है वह है पाणिनीय परंपरा, या अपन जिसको दूसरा नाम दें तो माहेश्वरी परंपरा कह सकते हैं। तो व्याकरण की जो दूसरी परंपरा है नंबर दो पर वह है माहेश्वरी परंपरा और अधिक मनोवैज्ञानिक तार्किक जो परंपरा मानी जाती है वो यही है। वर्तमान समय में जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय स्कूल्स आदि हैं जिनमें संस्कृत व्याकरण की जो पुस्तकें आदि चल रही हैं, जिनमें पुस्तकों का निर्माण या अध्यापकों द्वारा जो व्याकरण पढ़ाई जाती है उस व्याकरण को इसी माहेश्वरी परंपरा के अनुसार ही व्याकरण ज्ञान करवाया जाता है। इस परंपरा की यदि अपन बात करें माहेश्वरी परंपरा है तो माहेश्वरी परंपरा के अनुसार व्याकरण कैसे हुआ तो इसके अनुसार ये बात आती है कि इस परंपरा के अनुसार भगवान महेश्वर अपन शिव जी को कहते हैं, भगवान जो शिव हैं उनको भगवान महेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो भगवान महेश्वर से महर्षि
भगवान महेश्वर से महर्षि पाणिनि, महर्षि पाणिनि ने व्याकरण ज्ञान प्राप्त किया। कहा जाता है कि भगवान महेश्वर से महर्षि पाणिनि ने व्याकरण ज्ञान प्राप्त किया और फिर व्याकरण ज्ञान प्राप्त करके उसी व्याकरण के आधार पर पाणिनि ने व्याकरण का पहला ग्रंथ अष्टाध्यायी लिखा और अष्टाध्यायी के बाद में व्याकरण धीरे धीरे विकसित हो गए। उसी अष्टाध्यायी से जो व्याकरण फिर कालांतर में जाकर के तो अनेक और व्याकरण ग्रंथ बने और ये व्याकरण परंपरा हुई, ये व्याकरण विकसित हुई। अब देखो एक बात करें, अपन बात की चर्चा करें कि ये पाणिनि ने भगवान शिव से व्याकरण ज्ञान किस रूप में प्राप्त किया। तो कहा जाता है कि महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव की आराधना करके इन्होंने शिव जी से व्याकरण ज्ञान प्राप्त किया। तो शिव जी ने महर्षि पाणिनि को जो व्याकरण ज्ञान था वो मौखिक रूप से न देकर संकेतों के रूप में व्याकरण ज्ञान प्रदान किया। अब संकेतों की बात करें तो अर्थात अपन ऐसे कहें कि भगवान शिव का जो वाद्य यंत्र, भगवान शिव का जो वाद्य यंत्र जिसे अपन बात करें डमरू या डक्का, भगवान शिव का जो वाद्य यंत्र है डमरू, इस डमरू को भगवान शिव ने अपने इस वाद्य यंत्र डमरू को बजाना शुरू किया और जब इसको बजा रहे थे तो उसमें से मात्र ध्वनि निकल रही थी और उन्हीं ध्वनियों को सुनते हुए, उन्हीं ध्वनियों को महर्षि पाणिनि सुन रहे थे और सुन करके उन ध्वनियों के सूत्र बनाते हुए व्याकरण को लिखना शुरू कर दिया। अर्थात अपन ऐसे कहें कि भगवान शिव से ही पाणिनि ने व्याकरण ज्ञान प्राप्त किया था। अब फिर ऐसे कहें कि साहब नौ बार बजाया, तो नौ बार जब बजाया तो जो ध्वनि निकली उसको महर्षि पाणिनि ने स्वीकार किया तो वह ज्ञान पूर्ण नहीं था, इसलिए शिवजी ने वापस अपने वाद्य यंत्र डक्का को फिर से पांच बार बजाया और पांच बार बजा करके फिर से जो ध्वनि निकली फिर से पाणिनि ने उनको सुना और सूत्रबद्ध कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव ने अपने वाद्य यंत्र को 14 बार बजाया और 14 बार बजाने से जो ध्वनियाँ निकल रही थी उन्हीं ध्वनियों को महर्षि पाणिनि ने सूत्रबद्ध कर दिया और सूत्रबद्ध करने के कारण ही उन ध्वनियों को अपन नाम माहेश्वरी सूत्र ये नाम देते हैं, माहेश्वरी सूत्र लिख डाले। माहेश्वरी सूत्रों से ही फिर अष्टाध्यायी की रचना कर डाली इस रूप में। तो जो माहेश्वरी सूत्रों से जो अष्टाध्यायी आदि की रचना की फिर जो व्याकरण चली उसी व्याकरण को माहेश्वरी परंपरा के नाम से जाना जाता है। अर्थात वापस एक बार फिर से चर्चा करें इसकी, तो कहें भगवान महेश्वर द्वारा महर्षि पाणिनि ने जो व्याकरण सीख करके व्याकरण ज्ञान प्राप्त करके जो व्याकरण परंपरा में जो व्याकरण को विकसित किया उसी परंपरा का नाम होता है माहेश्वरी परंपरा। ये तो रही बात इसकी। अब इसके अनुसार माने कि माहेश्वरी परंपरा के अनुसार प्रथम व्याकरण कौन है, तो माहेश्वरी परंपरा के अनुसार प्रथम व्याकरण भगवान महेश्वर ही माने जाते हैं, भगवान शिव ही माने जाते हैं। बारहस्पति परंपरा के अनुसार प्रथम व्याकरण इंद्र थे, माहेश्वरी परंपरा के अनुसार प्रथम व्याकरण शिव जी थे। ये रही दोनों परंपराएं, बारहस्पति परंपरा और माहेश्वरी परंपरा। माहेश्वरी परंपरा जो है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में अपने चर्चा की थी कि व्याकरण की दो परंपराएं रहीं, एक बारहस्पति परंपरा और एक माहेश्वरी परंपरा। बारहस्पति परंपरा में अपन ने ये चर्चा की थी कि ब्रह्मा जी के द्वारा देवगुरु बृहस्पति ने व्याकरण ज्ञान प्राप्त किया, बृहस्पति जी से इंद्र से अग्नि यम रुद्र वायु वरुण आदि देवों ने और उनके बाद ऋषि मुनियों ने व्याकरण ज्ञान प्राप्त किया और उससे वो व्याकरण परंपरा में आई, व्याकरण विकसित हुई। इस परंपरा में अपन ने ये चर्चा की कि भगवान जो महेश्वर हैं, भगवान महेश्वर जो शिव जी हैं उनसे महर्षि पाणिनि, भगवान शिव से महर्षि पाणिनि ने व्याकरण ज्ञान प्राप्त किया और फिर इस पाणिनि की जो व्याकरण है वो कालांतर में विकसित होती गई, व्याकरण सीखते गई, वही महर्षि की जो पाणिनि की जो परंपरा है उसी को माहेश्वरी परंपरा। तो माहेश्वरी नाम इसलिए दिया अपन ने कि भगवान महेश्वर से संबंधित होने के कारण माहेश्वरी परंपरा। इस परंपरा को महर्षि पाणिनि ने विकसित किया है, अतः इस परंपरा को अपन पाणिनीय परंपरा के नाम से भी जानते हैं। अर्थात
जिस प्रकार वारस्पति परंपरा को व्याकरण की कठिनता के कारण कातंत्र परंपरा कहा गया था, वैसे ही पाणिनि से संबंधित होने के कारण इसको पाणिनीय परंपरा भी कहते हैं। आज अपन बात करते हैं कि इस माहेश्वरी परंपरा के अनुसार महर्षि पाणिनि ने व्याकरण किस रूप में विकसित किया। तो अपन एक किंवदंती की बात करें, सामान्यतः ये उल्लेख मिलता है कि भगवान महेश्वर की आराधना करके महर्षि पाणिनि ने व्याकरण ज्ञान प्राप्त किया, अर्थात शिव जी को आराधना की और उसको प्रसन्न किया और फिर इनसे व्याकरण ज्ञान प्राप्त किया। तो अपन ने ये चर्चा की कि भगवान महेश्वर ने अपना वाद्य यंत्र जो डमरू है, जिसे अपन ढक्का भी कह सकते हैं, उस डमरू को बजाना शुरू किया और इस डमरू में से जो ध्वनि निकली और उन ध्वनियों को महर्षि पाणिनि ने सूत्र बनाए और ध्वनियों को महर्षि पाणिनि ने जो सूत्रबद्ध किया, उन्हीं ध्वनियों को सूत्रबद्ध किया और उन्हीं सूत्रों को ही फिर माहेश्वरी सूत्र कहा गया। तो अर्थात वाद्य यंत्र डमरू से निकली हुई ध्वनियों को महर्षि पाणिनि ने सूत्रबद्ध किया और उन ध्वनियों को फिर नाम दिया गया माहेश्वरी सूत्र, अर्थात पाणिनीय परंपरा या माहेश्वरी परंपरा के अनुसार माहेश्वरी सूत्रों का विकास करते हुए ही व्याकरण ज्ञान विकसित किया गया है और इन्हीं से बनाई गई जो व्याकरण है वही आज वर्तमान में अपन विश्वविद्यालयों महाद्यालयों आदि में या लघु सिद्धांत कौमुदी आदि जो पुस्तकें हैं उनमें इसी परंपरा को अपनाया गया है। तो आज अपन इसके बारे में, अर्थात जो पाणिनि ने जो माहेश्वरी सूत्र बनाए वो क्या हैं, तो आज अपन चर्चा कर रहे हैं माहेश्वरी सूत्रों के विषय में। माहेश्वरी सूत्र अपना जो टॉपिक है वह है माहेश्वरी सूत्राणि, माहेश्वरी सूत्र। अपन ने माहेश्वरी सूत्र के बारे में चर्चा की है, एक बार फिर से अपन बात करें कि माहेश्वरी सूत्र क्या है। तो अपन ऐसे कहें, भगवान महेश्वर के वाद्य यंत्र ढक्का से निकली हुई ध्वनि को, भगवान शिव के वाद्य यंत्र ढक्का से निकली हुई ध्वनि को महर्षि पाणिनि ने सूत्रबद्ध किया और उन्हीं ध्वनियों को जो सूत्र बनाया, उन्हीं ध्वनियों का या उन्हीं सूत्रों का नाम रहा माहेश्वरी सूत्र। माहेश्वरी, महेश्वर से संबंधित, सूत्राणी सूत्र अर्थात भगवान महेश्वर से संबंधित जो सूत्र बनाए थे उनको। इन माहेश्वरी सूत्रों की बात करें तो इनके लिए अपन ने एक चर्चा की थी कि भगवान महेश्वर ने अपने वाद्य यंत्र को 2 बार बजाया था, पहले 9 बार और फिर 5 बार। कुल की चर्चा करें तो इन्होंने 14 बार बजाया है और 14 बार बजाया, तो अपन ऐसे कहें कि माहेश्वरी सूत्र कितने हैं, 14 हैं, चतुर्दश हैं। अब जो 14 माहेश्वरी सूत्र हैं वे कौन कौन से हैं इसके बारे में अपन चर्चा करें, तो पहला जो माहेश्वरी सूत्र है वह है ए ई उण। दूसरे की बात करें तो अपन बात करें रील रिक। तीसरे की यदि अपन बात करें तो तीसरा है ए ओंग। चौथे की बात करें तो चौथा हो गया आई औच। यदि पांचवे की बात करें तो पांचवा है हयवरट। छठवां हो गया लण। सातवां यमगणनम। आठवां झबें। नौवां घडदश। दसवां जबगडदश। ग्यारहवां खे फे छे ठे थे खप छठ थे चट तव। खप छठ थे चट तव। फिर बारहवें की बात करें तो कपय। तेरहवें की बात करें तो सर। और चौदहवें की बात करें तो हो गया हल। ये 14 माहेश्वरी सूत्र हैं
जो महर्षि पाणिनि ने बनाए हैं, अर्थात भगवान शिव के जो वाद्य यंत्र से जो ध्वनियाँ निकल रही थी, उन ध्वनियों में जो ध्वनि निकल रही थी वो ऐण रीलिक एओं ऐच हयवरट लण यमगणनम झबय गड दस जब गड दस खप छट तय चट तव कपय ससर और हल। ये 14 ध्वनियाँ, 14 प्रकार की ध्वनियाँ निकली। अब साहब जो ध्वनियाँ निकल रही थी उनको पाणिनि ने सुना है और सुनकर के पाणिनि ने उन्हीं ध्वनियों को इस क्रम में लिखा है, अर्थात ध्वनियों के ऐसे सूत्र बना दिए। तो ध्वनियों के सूत्र हैं महेश्वर से संबंधित थे, इसीलिए इनको माहेश्वरी सूत्र नाम दिया गया। अब यदि बात करें इन ध्वनियों को कि और क्या नाम दे सकते हैं, तो देखो इनको एक तो माहेश्वरी सूत्र नाम दे दिया। दूसरी बात करें ये शिव जी से संबंधित है, तो भगवान शिव को अपन शिव भी कहते हैं महेश्वर को, तो इसलिए अपन इनका दूसरा नाम शिव सूत्र जाल, इसका एक नाम ये भी है माहेश्वरी सूत्रों का शिव सूत्र जाल, शिव से संबंधित सूत्रों का एक जाल, इसलिए नाम हो गया शिव सूत्र जाल। तीसरा यदि अपन नाम दें तो देखो इन ध्वनियों में वर्ण हैं या अक्षर हैं, जो अपने सूत्र लिखे हैं उनमें अक्षर या अपने इसके वर्ण हैं, या तो स्वर वर्ण है या फिर व्यंजन वर्ण है, और स्वर या व्यंजनों का एक समूह है, इसलिए इन सूत्रों को अपन अक्षर समामनाय, अक्षर समामनाय या अक्षर का नाम वर्ण लिखें तो अपन ऐसे कह सकते हैं वर्ण समामनाय, ये नाम भी अपन इसको दे सकते हैं। तो माहेश्वरी सूत्रों के नाम हो गए, एक तो माहेश्वरी सूत्र, दूसरा नाम हो गया अपना शिव सूत्र जाल, और तीसरा नाम हो गया अक्षर समामनाय या वर्ण समामनाय। समामनाय से तात्पर्य समूह है, अक्षरों का समूह है या वर्णों का समूह है, ये सामान्य से अपने माहेश्वरी सूत्र हैं। अब बात करें माहेश्वरी सूत्रों में, तो देखो माहेश्वरी सूत्रों में सिर्फ वर्ण हैं, ध्वनि है, ध्वनि वर्ण को ही कहा जाता है, तो वर्ण है या तो स्वर वर्ण है या होते हैं व्यंजन वर्ण। अब इनमें अब प्रश्नों की बात करें अपन, तो माहेश्वरी सूत्र देखो सामान्यतः प्रश्न यहाँ से एग्जाम में इस रूप में पूछा जाता है। सबसे पहले तो अपन बात करें कि माहेश्वरी सूत्राणी, ऐसे प्रश्न आ गया कि यहाँ प्रश्न अपन इस रूप में बना दें केन प्राप्तानी, माहेश्वरी सूत्राणी केन प्राप्तानी, कि माहेश्वरी सूत्र किसके द्वारा प्राप्त किए, तो उत्तर होगा महर्षि पाणिनि ना, महर्षि पाणिनि के द्वारा। ठीक है, अपन ऐसे कहेंगे माहेश्वरी सूत्राणी कुतः प्राप्तानी, कहाँ से प्राप्त हुए, तो आंसर होगा शिवात, शिव से। अगर ऑप्शन में ऐसे आ जाए कि ढक्कया, तो ढक्कया से, डमरू से, और दोनों हो तो शिवात, शिव से प्राप्त हुए हैं। किसने प्राप्त किए, पाणिनि ने प्राप्त किए। कहाँ से प्राप्त किए, शिव से प्राप्त किए। तीसरा प्रश्न ये बन गया कि माहेश्वरी सूत्राणी कति, माहेश्वरी सूत्र कितने हैं, तो अपना आंसर होगा माहेश्वरी सूत्राणी चतुर्दश, माहेश्वरी सूत्र 14 हैं। ये तो रही बात सामान्य सी। अब इनमें और जो एग्जाम की दृष्टि से जो मुख्य मुख्य जो प्रश्न होते हैं उनके बारे में और चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न ये बन गया कि माहेश्वरी जो 14 सूत्र हैं, इन माहेश्वरी सूत्रों में कितने वर्ण हैं जो दो बार आए हैं, अर्थात कौन से वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो अपन बात करें, अगर अपन यहाँ पर बात करें तो एक वर्ण है यहाँ भी है और एक वर्ण है यहाँ भी है, इसका मतलब ये हुआ कि माहेश्वरी सूत्रों में है वर्ण की आवृत्ति हुई है, अर्थात है वर्ण दो बार आए। अब एक बात और करें, जो माहेश्वरी सूत्र हैं उनमें जो अंतिम वर्ण है सभी 14 सूत्रों में, इन 14 सूत्रों में सभी जो अंतिम वर्ण है उसके नीचे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो वर्ण है अंतिम वर्ण वो इत संज्ञक वर्ण है। इन सभी वर्णों की एक सूत्र आता है इत संज्ञा सूत्र, जो है हलंत्यम, जो अपन इत संज्ञा टॉपिक जो संज्ञा प्रकरण पढ़ेंगे जिसमें इत संज्ञा पढ़ेंगे, इत संज्ञा 6 सूत्रों से होती है, उनमें एक सूत्र है हलंत्यम, इस सूत्र की अपन वहां चर्चा करेंगे विस्तृत चर्चा। यहां एक बार इतना जाने कि जो हलंत्यम सूत्र है, इस हलंत्यम सूत्र से अंतिम जो व्यंजन वर्ण जो हल वर्ण आ रहे हैं उसकी इस सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है, और इत संज्ञा होती है। और देखो यहां से एक प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ है, 24 जुलाई 2016 को जो फर्स्ट ग्रेड लगी थी उसमें एक प्रश्न आया था कि इत संस्कृत व्याकरणे इत संज्ञकस्य फलम भवति, संस्कृत व्याकरण में इत संज्ञा का फल होता है, तो यहां आंसर था उसका लोप, अर्थात अंतिम वर्ण की इत संज्ञा और उसका लोप हो जाता है।
इस रूप में। अब यदि लोप हो गया तो लोप करने के बाद जो वर्ण बचे उनमें है वर्ण ऐसा है जिसकी दो बार आवृत्ति हुई है। और अगर इत्संज्ञक वर्णों की बात करें, इत्संज्ञक वर्णों की बात करें तो इत्संज्ञक वर्णों में एक तो है ण यहाँ और एक छठवें माहेश्वरी सूत्र में ण यहाँ, अर्थात इत्संज्ञक वर्ण। अगर ऐसे डाल दे कि इत्संज्ञक वर्ण, कौन से इत्संज्ञक वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो अपना उत्तर होगा ण। सीधा ही प्रश्न है कि कौन से वर्ण की आवृत्ति हुई, उत्तर होगा है। और आगे कि कौन से इत्संज्ञक वर्ण की आवृत्ति हुई, तो अपना उत्तर होगा ण। अब देखो एक बात करें, अर्थात अंतिम वर्ण है उसकी इत्संज्ञा होगी, और इत्संज्ञक वर्ण का हमेशा ही संस्कृत व्याकरण में जिसकी भी इत्संज्ञा होगी उसका क्या होगा, लोप होगा। लोप होने के बाद अब एक बात और करें कि साहब ये जो अपन ने माहेश्वरी सूत्र लिखे हैं, इन माहेश्वरी सूत्रों में या तो स्वर वर्ण है या व्यंजन वर्ण है। व्यंजन तो हमेशा आधा ही होता है, हलंत युक्त होता है, लेकिन इन सूत्रों में जो व्यंजन लिखे गए हैं वो पूर्ण रूप से पूरे स्वर के साथ लिखे गए हैं। तो इसका मतलब अपन ऐसे कह सकते हैं कि ये जो व्यंजन वर्ण लिख रखे हैं, इन जैसे है आदि जो यहाँ से अपन है से शुरू करें तो ये व्यंजन वर्ण शुरू हो गया। तो प्रश्न ये हो गया कि हकार आदि सु अर्थात है वर्ण आदि में जो अकार है, अकार का मतलब है ए वर्ण, हकार आदि सु अकार, हकार आदि में जो अकार है वह केवलम उच्चारणार्थम, उच्चारण के लिए ही है। अर्थात अपन ऐसे कहें माहेश्वरी सूत्रों में जो है यह वह रह आदि जो ये व्यंजन वर्ण है उनमें जो ए मिला हुआ है वो क्यों लिया गया है ए, तो अपन कहें जो इन है आदि वर्णों में जो ए आदि मिला हुआ है वह केवल और केवल उच्चारण के लिए है। उच्चारण के लिए ऐसे कि व्यंजन वर्ण हमेशा अर्धमात्रिक होता है, आधा अक्षर होता है, और अर्धमात्रिक वर्ण का उच्चारण नहीं किया जा सकता, इसलिए इनका उच्चारण करने के लिए ही इनमें ए मिलाया गया है। साथ ही एक बात और कहें, जो अपना छठवां माहेश्वरी सूत्र है जो लण, इस लण में जो ए मिला हुआ है, इस लण में जो ए है वह, तो अपन ऐसे कहें कि लण मध्य अकार, कि लण के मध्य में जो अकार है वह उच्चारणार्थ नहीं है, वह तो क्या है, इत्संज्ञक है। अपन ऐसे कहें कि हकार आदिसु विद्यमान अकार है उच्चारणार्थम, किंतु लण मध्य तु इत्संज्ञक है, लण के मध्य में जो अकार है वह तो इत्संज्ञक होता है, अर्थात इस लण में जो ए मिला हुआ है वो इत्संज्ञक है, यहाँ उच्चारण के लिए नहीं है। यहाँ इत्संज्ञक क्यों लिया गया, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आगे अपन प्रत्याहारों की बात करेंगे तो वहाँ एक प्रत्याहार का निर्माण होता है रे प्रत्याहार का, और रे प्रत्याहार जो अपन ने लिखा है रे प्रत्याहार, इस रे प्रत्याहार के निर्माण के लिए ही इस लण में ए को लिया गया है। तो ये प्रत्याहार क्या होते हैं इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो अपन कहें, अब रिपीट करें कि माहेश्वरी सूत्र 14 हैं, इन माहेश्वरी सूत्रों को माहेश्वरी सूत्र, शिव सूत्र जाल, अक्षर समामनाय या वर्ण समामनाय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कहें माहेश्वरी सूत्रों की संख्या चतुर्दश 14 होती है। माहेश्वरी सूत्रों में अंतिम जो वर्ण है वो इत्संज्ञक होता है। माहेश्वरी सूत्रों में ण इत्संज्ञक वर्ण ण दो बार आवृत्त हुआ है, और माहेश्वरी सूत्रों में जो है वर्ण है उसकी भी दो बार आवृत्ति हुई है। अब नया प्रश्न अपन यहाँ पर ये ढूंढते हैं कि ये जो माहेश्वरी सूत्र हैं इनमें जो है वर्ण आया है, माहेश्वरी सूत्र हैं जो इनमें जो है वर्ण आया है वह उसकी आवृत्ति हुई है, तो है वर्ण की जो आवृत्ति है वह दो बार क्यों हुई है, क्या कारण था इस है को दो बार लेने के पीछे। पाणिनि ने है वर्ण को ही दो बार आवृत्त क्यों किया, अन्य वर्णों की केवल एक बार ही लिखा गया है। तो इसका अपन उत्तर ये ढूंढते हैं कि है वर्ण को दो बार लेने के पीछे कारण था एक तो अट प्रत्याहार का निर्माण, एक तो अट प्रत्याहार के निर्माण के लिए, और दूसरा है अपन कहें तो सल प्रत्याहार के निर्माण के लिए। ये जो दो हैं अट प्रत्याहार और सल प्रत्याहार,
अट प्रत्याहार के निर्माण के लिए है वर्ण की आवश्यकता, ऐसे टेतक में इसमें है वर्ण की आवश्यकता है, और शल प्रत्याहार की बात करें सैसे लय तक, तो शल प्रत्याहार के निर्माण के लिए है वर्ण की आवश्यकता। तो है वर्ण की आवृत्ति क्यों हुई, है वर्ण क्यों लिया गया दो बार, तो अपन कहें अट प्रत्याहार और शल प्रत्याहार के निर्माण के लिए, इस रूप में। ये रहे अपने माहेश्वरी सूत्र। वीणा पाणी की अनुकंपा से संकल्प करते हैं कि कठिन परिश्रम उत्कृष्ट लगन समन्वय व पूर्ण आत्मविश्वास के योग से हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं तथा भविष्य में भी करते रहेंगे, और जो कुछ करनीय है उसके लिए नहीं शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। जय श्री राम। आंसर की जल्दी लगा ली। आज का ये बहुत बड़ी सफलता का दिन आरएस प्रॉपर। थैंक यू बेस्ट ऑफ लक, शानदार तालियां लौटी से करना चाहिए। कपड़ा उस पानी में डालना जबरदस्त, उसका सांस घुटने लगा, वो ऊपर उठना चाह रहा था, गुरु ने वो जोर से दबा दिया, उसने पूरा जोर लगा दिया, और जब एक दो मिनट तक उसको दबाए रखा और बिल्कुल जब लगा कि अब भी दबाए रखा तो ये मर जाएगा, तब उसको छोड़ा। वो जब बाहर वापिस आया तो उसने कहा, गुरुजी ये आपने क्या किया, मैं तो क्या पूछ रहा था और आप तो उल्टा मेरे को मारने चले। तो गुरु ने कहा कि बिल्कुल लास्ट में आपको कैसा महसूस हो रहा था, जब के एक एक सांस के लिए मेरा ये हो रहा था कि पूरी जान लगा दूं किसी तरह से बाहर निकल जाए। तो उसने कहा कि वो जो फीलिंग आपको उस वक्त हो रही थी, वो फीलिंग अगर आप अपने किसी भी चीज को जो आप अचीव करना चाहते हो, वो फीलिंग, वो एफर्ट, वो आप उसमें लगाओगे, वो शिद्दत है, और वो शिद्दत अगर आप पैदा कर लेते हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो मैं नहीं समझता कि लक्ष्य आपसे, आप क्यों नहीं लक्ष्य हासिल कर सकते। इसके बाद राजस्थान पत्र के जवान है विनोद जी चौहान का भी ये विजय स्तंभ है, ये आप सबके भी, आप पे मैं ले रहा हूँ, आपकी विजय के लिए।